आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस 72वीं वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों सहित स्कूल और कॉलेजेस में झंडे फहराए गए। वहीं मुस्लिम मदरसों में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडे फहराए, साथ ही राष्ट्रगान भी गाया गया। इस दौरान मऊ जिले के खीरीबाग में मदरसा तामुद्दीन इंटर कॉलेज व तालिमुलद्दीन निस्वा गर्ल्स कॉलेज में राष्ट्रगान गाया और तिरंगा फहराया। वहीं इस मामले में मदरसे के मैनेजर ने बताया कि आज स्वतंत्रता दिवस की 72वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें हम सभी लोगों ने एक साथ होकर झंडा फहराया और राष्ट्रगीत के साथ राष्ट्रगान गाया। इस दौरान हमने सभी लोगों को बधाई भी दी। हम सभी हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील करते हैं कि देश में एक साथ रहें ताकि अमन और शांति कायम रहे। आपके स्कूल में जी किस प्रकार का कार्यक्रम आपके स्कूल में कराया जा रहा है? 15 अगस्त जश्न मनाया जा रहा है और हमारा जो है मुल्क आज़ाद हुआ 72 साल हो गया और उसकी खुशी में हम ये प्रोग्राम अपने कॉलेज में या इदारे में मना रहे हैं। तमाम लोगों को इस मौके पर मुबारकबाद देते हैं और हर बरदरी इदार और मजहब बिना किसी जो है उनको मुबारकबाद दे रहे हैं और हम चाहेंगे खुशी खुशी आज का दिन सब मनाया जाए और हमेशा इस्तेमाल किया जाए। हमारा आधार है और सबको बराबर का हक हासिल है। सब मिलजुल के अपने करके निर्माण में अपना सहयोग करें। वंदे मातरम में क्या कहना आपको? वंदे मातरम तो गाया जाता है हमारे यहाँ और राज्य गाया है, आप मिथिला भी होगा। क्या कारण कि हमेशा मदरसों को शक की नजर देखा जाता है, क्या वजह है? हर बार नहीं हमेशा कोई निशान विदेश आते हैं। ये बात तो खैर हमारे भी समझ में नहीं आती, लेकिन जिस जोश और जज्बे के साथ लोगों ने भी अगर इसमें पार्टिसिपेट किया था आज़ादी में, तो हम भी कहीं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे और जाहिर है।